प्रयागराज में उमेश पाल और उसके दो गनर की हत्या की वारदात के आज 14 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इसके मुख्य आरोपी माफिया अतीक अहमद का बेटा असद और घटना में शामिल मरिया डीह का साबिर, महंदौरी का गुलाम और चक निर्तुल का गुड्डू बम्बाज का अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस और एसटीएफ अब उन ठिकानों को तलाश रही है जहां पर अतीक, अशरफ, उमर और अली फरारी के दौरान रुके थे। पुलिस उन लोगों से भी पूछताछ करेगी जो इन लोगों की फरारी के दौरान मदद किया करते थे। एसटीएफ को पूरी आशंका है कि वारदात में शामिल लोग अलग अलग ही हैं और अशद अतीक और अशरफ की फरारी के दौरान मदद करने वालों के टच में जरूर होगा। दो शूटरों के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद उमेश पाल के परिवार को पूरा भरोसा है कि सरकार उनको न्याय जरूर दिलाएगी। प्रशासन अपना कार्रवाई कर रही है, बाकी बाबा जी पे छोड़ दिया है, वही हमको न्याय दिलाएंगे। मेरे पिता समान है, वो हमको जरूर न्याय दिलाएंगे, उन पर भरोसा है। जो आरोपी दिख रहे हैं वो सभी पकड़े जाए, मांग करेंगे। बिल्कुल उनको छोड़ा ही न जाए। आज छोड़ देने का मतलब है कि उनको आगे बढ़ावा मिलना, वो कल को और किसी को भी मार सकते हैं, तो उनका ये खत्म करना ही बहुत जरूरी है। इस घटना के बाद से उमेश पाल का परिवार अभी तक इस गहरे सदमे से उभर नहीं पाया है। उमेश के घर पर 24 घंटे पुलिस का पहरा लगा है, लेकिन परिवार खौफ के कारण बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज रहा। माफिया अतीक के परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों भाइयों को एनकाउंटर में मारने की आशंका पर उमेश के परिवार का बस इतना कहना है कि किसी का परिवार उजाड़ने वाले कैसे सुकून से रह सकते हैं। पुलिस की रडार पर वो लोग भी हैं जिनके खिलाफ उमेश ने हाल ही में मुकदमा दर्ज कराया था। उन लोगों में कुछ पुलिस की हिरासत में भी हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं है। बेटे को मारा, दिल में सोच करके हत्या कराया, जेल में बैठ करके साजिश करके उसके गुंडे उसके औलाद आके मार के गए। दूसरे का कोख उजाड़ना, मांग उजाड़ना उसको तो अच्छा लगा, अब अपने चक्कर वो डर रहा है या उसकी बहन को हार लगा रही या बीबी को हार लगा रही, उससे मुझको क्या लेना देना। मेरा तो यही है कि मेरे बेटे के कातिल मारे जान, मेरे आत्मा में संतुष्टि है। अब मुझे भरोसा है कि अगर योगी जी ने जो कहा है तो उन्होंने करा। कई मारने वाले अपना रास्ता पहले से ढूंढे रहते हैं, मार क्यों भागे हैं, पुलिस प्रशासन ढूंढ रही है। जैसे भी होगा मुख्यमंत्री जी जो निर्णय लेंगे हम